गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक्स ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया. न्यू टॉपिक्स इज पाथ्स क्रॉसिंग ईच अदर. दिस इज द न्यू टॉपिक्स विच इज रिलेटेड टू पेरीमीटर एंड एरिया. ABCD is a rectangular piece of garden. Suppose ABCD is a rectangular piece of ground, just like H. Okay? And two roads, as shown in the figure, two roads, one parallel to the length and other parallel to the breadth together are called crossroads. This figure is known as crossroads. This is parallel to length and this road is parallel to breadth, and this cross section is known as crossroads. This is usually observed in bigger parks. बड़े बड़े parks में आप crossroads देखे होंगे, देखने को मिला होगा. See the question related to path crossing each other. First question. A rectangular lawn is 30 meter by 20 meter. It means that is the length and that is the breadth of rectangular lawn. It has two roads, each 2 meter wide, running in the middle of it. One parallel to the length and other parallel to the breadth, and find the area of the roads. It means crossroads. Okay, this figure is the rectangular lawn whose length is 30 meter and breadth is 20 meter. And two roads, A, B, C, D, that is the road. P, Q, R, S, that is the road. Two roads whose width, जिसकी चौड़ाई road की 2 meter है. Running in the middle of it, ये road बीच में है और ये road भी बीच में है, और ये पैरेलल है, लेंथ के पैरेलल है, और ये रोड ब्रेथ के पैरेलल है. ओके, एंड वन इज कॉमन, ई एफ जी एच. इट इज द कॉमन फॉर टू रोड्स. ओके, एंड यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ द रोड्स. इस रोड का एरिया फाइंड आउट करना है. सो अंडरस्टैंड, अ स्टेप बाय अ स्टेप, लेट ए बी सी डी एंड पी क्यू आर एस. ए बी सी डी एंड पी क्यू आर एस बी द क्रॉस रोड्स. वी हैव ए बी इज 2 meter, दैट इज द विड्थ ऑफ रोड, रोड की चौड़ाई. BC is 30 meter. BC means which is parallel to the length. जो rectangular lawn की लंबाई है वही BC की लंबाई होगी, because it is parallel. Okay, तो BC is equal to 30 meter. Then area of the path ABCD. इस road की
एरिया कितनी होगी, ए बी सी डी लेंथ इंटू ब्रेथ, ए बी इंटू बी सी, ए बी इज 2 meter इंटू बी सी इज 30 meter, वी विल मल्टीप्लाई एंड वी गेट 60 meter square, 30 into 2, 60 meter square, तो ए बी सी डी का एरिया फाइंड आउट हो गया 60 meter square. ओके, नाउ पी क्यू, सी हियर पी क्यू, इट इज द विड्थ ऑफ रूट, तो इसकी भी चौड़ाई 2 meter ही है, और क्यू आर ये जो लंबाई है वो इस लॉन की जो चौड़ाई है वो रोड की लंबाई हो जाएगी. तो पी क्यू इज इक्वल टू 2 meter, क्यू आर इज इक्वल टू 20 meter, देन एरिया ऑफ द पाथ पी क्यू आर एस इज इक्वल टू पी क्यू इंटू क्यू आर लेंथ इंटू ब्रेथ. पी क्यू इज 2 meter इंटू क्यू आर इज 20 meter, मल्टीप्लाई 2 into 20, वी गेट 40 meter square. इस तरह से इस रोड का, इस पाथ का एरिया 40 meter square हुआ और इस पाथ का एरिया 60 meter square. बट दिस पोर्सन इज कॉमन टू बोथ रोड्स, तो इस रोड का एरिया पहले निकाल लेंगे, दैट इज द ई एफ जी एच जो कॉमन है. ओके, तो आई हैव रिटेन एरिया ई एफ जी एच इज कॉमन टू द बोथ द पाथ्स. यू विल ऑल्सो राइट ई एफ 2 meter, एफ जी 2 meter, बिकॉज दिस कॉमन पाथ इज लुक्स लाइक एज ए स्क्वेयर, देयरफॉर ई एफ इज इक्वल टू 2 meter, एफ जी इज इक्वल टू 2 meter. देन वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ई एफ जी एच, ई एफ इंटू जी एच साइड इंटू साइड, 2 meter इंटू 2 meter, दैट मीन्स 4 meter square. ओके, सी अगेन फिगर, बट वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ. तो सबसे पहले हम लोगों ने इसका एरिया निकाला 60 meter square, पी क्यू आर एस का एरिया निकाला 40 meter square, और इतने दूर का एरिया जो कॉमन है इसमें भी आ जा रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो इस एरिया को हम एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि ये न इसमें आए, सिर्फ इसमें आए, एक बार आए. ठीक है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इस कॉमन एरिया को इन दोनों के एरिया को ऐड करके इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो एक्चुअल एरिया ऑफ द रोड्स निकल जाएगा. सी टोटल एरिया कवर्ड एज रोड्स, एक्चुअल एरिया रोड्स का क्या होगा, तो इज इक्वल टू एरिया ऑफ रोड्स ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ रोड्स पी क्यू आर एस विच आई हैव डिस्कस्ड माइनस एरिया ऑफ ई एफ जी एच विच इज कॉमन टू बोथ रोड्स. ओके, दैट एरिया इज 60, दैट एरिया इज 40, 60 प्लस 40 दोनों को एड कर देंगे, और माइनस 4 एरिया ऑफ ई एफ जी एच, एक बार 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि ये कॉमन है दोनों के लिए, तो एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो 60 प्लस 40 इज 100 माइनस 4, 100 माइनस 4 इज इक्वल टू 96 meter square, तो दैट इज द एक्चुअल एरिया ऑफ द रूट्स. ओके, दस टोटल एरिया ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 96 meter square. ओके, वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू से दैट इफ इन दिस क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन में हमें कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन द रोड्स फाइंड आउट करना रहता तो क्या करते. तो 96 मीटर स्क्वायर जो निकल चुका है उसके बाद क्या करेंगे, यू हैव टू गिव हिम इन द क्वेश्चन रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड. इफ रेट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड्स इज रुपीज 50 पर स्क्वायर मीटर, अगर रोड बनाने का खर्च 50 रुपीज आ रहा है एक मीटर स्क्वायर का, 50 रुपीज आ रहा है एक मीटर स्क्वायर का, देन वी हैव टू कंस्ट्रक्ट टोटल रोड्स.
then we have to find total cost of constructing the roads if 96 meter square. If अगर 96 मीटर स्क्वायर इस एरिया के रोड को कंस्ट्रक्शन करना है पाथ को और 50 रुपया का खर्च आ रहा है तो क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ, यहां नीचे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड्स इज इक्वल टू जितने रुपया का खर्च आ रहा है, जिसे 50 रुपया, तो 50 रुपये को 96 से मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइंड आउट होगा दैट इज द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन द रोड्स. ओके, ऐसा भी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वर्कशीट 2 में. ओके, लेट्स प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 4. सी क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम वर्कशीट 2. ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ग्राउंड इज 45 मीटर long and 30 meter wide. It has two roads each 1 meter wide running midway within it. One parallel to the length and the other parallel to the breadth. Find the area of the roads. Also calculate the area of the remaining ground. See the answer. This is the figure of rectangular piece of ground LMNO. It is the rectangular piece of ground whose length is 40 meter. See here. And 30 meter is its breadth. And two roads whose width, उसकी चौड़ाई 1 मीटर है. A, B, C, D is the road and P, Q, R, S is also the second road. Okay, which is parallel to length and breadth. We have to find area of roads and calculate the area of remaining ground. This portion, this portion, this portion and this portion. इन सबों का एरिया फाइंड आउट करना है. तो जैसा कि मैंने अभी पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, ठीक उसी तरह से हम लोग इसे बनाएंगे, सॉल्व करेंगे और लास्ट में क्या करना है वो हम लोग देखेंगे. ओके, तो लेट ए बी सी डी एंड पी क्यू आर एस बी द क्रॉस रोड्स. दिस इज द क्रॉस रोड्स. वी हैव ए बी इज 1 मीटर, बी सी इज 45 मीटर. एरिया ऑफ द पाथ ए बी सी डी इस रोड का एरिया ए बी इंटू बी सी लेंथ इंटू ब्रेथ 1 मीटर इंटू 45 मीटर एंड वी गेट 45 मीटर स्क्वायर. अगेन पी क्यू द विड्थ ऑफ रोड पी क्यू इज 1 मीटर एंड क्यू आर विच इज इक्वल टू 30 मीटर. ओके, क्यू आर इज 30 मीटर और हम लोग इस एरिया, इस रोड का एरिया फाइंड आउट करेंगे. तो एरिया ऑफ पी क्यू आर एस लेंथ इंटू breadth. See here, area of path PQRS is equal to PQ into QR. PQ is 1 meter into QR is 30 meter. After multiplication we get 30 meter square. Area EFGH, which I have discussed, area EFGH is common to the both the roads, both the paths. Okay, EF is equal to 1 meter, FG is equal to 1 meter, then area of EFGH is equal to EF into FG, side into side, because EFGH each looks like as a square, 1 meter into 1 meter, we get 1 meter square. Okay, similarly, we will find total area of covered as roads. यानी एक्चुअल रूट्स, एक्चुअल पाथ, एरिया ऑफ एक्चुअल रूट्स. तो एक्चुअल रूट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ रूट्स ए बी सी डी को प्लस कर देंगे एरिया ऑफ रोड पी क्यू आर एस से, और जो कॉमन है ई एफ जी एच उसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ओके, तो एरिया ऑफ रोड ए बी सी डी इज 45 मीटर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ रोड पी क्यू आर एस इज इक्वल टू
30 मीटर स्क्वायर एंड कॉमन एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर. तो 45 प्लस 30 75 माइनस 1 एंड वी गेट 74 मीटर स्क्वायर. बट वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ रिमेनिंग ग्राउंड. तो रिमेनिंग ग्राउंड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल ग्राउंड को, टोटल ग्राउंड का एरिया पहले फाइंड आउट करेंगे और जो एरिया रास्ते का निकला है उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो आई हैव रिटन एरिया ऑफ रिमेनिंग ग्राउंड इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल LMNO पूरा एरिया ग्राउंड का और माइनस एरिया ऑफ क्रॉस रोड जो हम लोगों ने अभी निकाला है. ओके सी हियर, LM इंटू MN लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया ऑफ LMNO माइनस एरिया ऑफ क्रॉस रोड्स एक्चुअल रोड्स 74 लेंथ इंटू ब्रेथ 45 इंटू 30 माइनस 74 45 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 1350 मीटर स्क्वायर माइनस 74 मीटर स्क्वायर. घटाएंगे, घटाने के बाद 1276 मीटर स्क्वायर. तो दैट इज द रिमेनिंग एरिया ऑफ द ग्राउंड 1276 मीटर स्क्वायर. हेंस वी कैन राइट टोटल एरिया ऑफ रोड्स इज इक्वल टू 74 मीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ द रिमेनिंग ग्राउंड इज इक्वल टू 1276 मीटर स्क्वायर. ओके थैंक यू.